अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। कुछ दिनों से आपके साथ मैं डिस्कनेक्ट थी और उसकी रीज़न कुछ ऐसी थी कि फैमिली में कुछ ऐसी टेंशन थी, एक डेथ हो गई थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं रह पाई। बहुत परेशान थी, बहुत टेंस थी, लेकिन नाउ आई एम बैक टू वर्क। तो आज मैंने आप लोगों के लिए जो रिसर्च की है वो है जनाब लंबी चौड़ी सी रिसर्च है, और रिसर्च है फैसल वाउडा के बारे में। फैसल वाउडा के ऊपर इंतहाई गलीज़ और इंतहाई ऐसे इल्ज़ामात लगे जिनके बारे में सुनने के बाद ऐसा लगता था कि ये टोटल झूठ है। लेकिन जो भी रिपोर्टर और जो सहाफ़ी उनका पीछा कर रहे थे इस चीज़ में कि वो सारे एविडेंसेस इकट्ठे कर रहे थे, उसके बाद और फैसल वाउडा के जवाब ना देने के बाद ये चीज़ कहीं ना कहीं साबित होती चली जा रही थी कि फैसल वाउडा जो हैं वो गलत हैं और वो रिपोर्टर जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने फैसल वाउडा से पिछले 2 साल से, जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, ये बड़ी शराफत के साथ हर फोरम पर आकर फैसल वाउडा से सवाल पूछते रहे, और जो ये संगीन इल्ज़ाम थे जो कि उनकी बीवी ने भी बाद में कन्फर्म किए कि सच्चे हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि उनकी वाइफ ने कौन से संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। वन बाय वन एक एक इल्ज़ाम आपको बताती चली जाऊंगी, और ऐसे इल्ज़ाम हैं सुनने के बाद आपके कानों से धुएँ निकलेंगे। शुरू में जो लोग पीटीआई के सपोर्टर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसे सपोर्ट किया, केस जो है वो नैब के पास भी गया, केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी गया, केस जो है वो अदालत में भी गया, लेकिन फैसल वाउडा के ख़िलाफ़ कोई भी कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद ये जो रिपोर्टर हैं इन्होंने बार बार जब सवाल हर फोरम पर उठाया, फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, उनसे डायरेक्टली सवाल पूछा कि जो एलिगेशंस आपके ऊपर लग रहे हैं इनका जवाब दें, तो फैसल वाउडा साहब ने क्या किया कि इनका जवाब देने के बजाय उस रिपोर्टर को गंदी गंदी गालियाँ दीं। गंदी गंदी गालियाँ देने के बाद उन्होंने ना सिर्फ गालियाँ दीं बल्कि ये धमकाया उस रिपोर्टर को, कहा कि तुमने जो कुछ करना है वो कर लो। उसके बाद वो जो रिपोर्टर थे वो दिल बर्दाश्ता हुए, वो मीडिया के पास गए, मीडिया को जाकर उन्होंने बताया कि भाई फैसल वाउडा के ख़िलाफ़ सारे जो सबूत हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। और उसके बाद मीडिया में कुछ हद तक इसको कवर किया गया, लेकिन जिस तरह कवर करना चाहिए था उस तरह से मीडिया ने इसको अहमियत नहीं दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग कहते हैं कि मलिक रियाज़ की अगर कोई ख़बर आती है तो मीडिया में नहीं आती। दूसरा ये कि अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी का कोई या किसी और पार्टी का कोई बंदा होता तो उसके बारे में पीटीआई ने अपनी तकरीरों में आकर उसके बारे में इतनी बातें करनी थी। जितने इल्ज़ाम फैसल वाउडा पर लगे हैं इतने इल्ज़ाम तो नवाज़ शरीफ साहब पर भी नहीं हैं। तो उसके बावजूद इमरान ख़ान साहब जो हैं वो इंसाफ की बात करते हैं, और इंसाफ की बात करते हुए हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो फैसल वाउडा के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें अब प्रूव हो चुकी हैं और फैसल वाउडा जो हैं हर बात में झूठे साबित हुए हैं और कोई भी सबूत नहीं दे सके। दूसरा ये है कि पिछले दिनों जहांगीर तरीन का स्कैंडल सामने आया और सबको पता चला कि जहांगीर तरीन साहब ने चीनी वाले मामले में क्या कुछ स्कैंडल्स किए थे, किसमें वो मुलव्वस रहे थे। उज़्मा कारदार साहिबा की कॉल लीक हुई थी, उस पर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था। और अब नया शोशा शुरू हो गया है, और वो शोशा है जनाब जी फैसल वाउडा का। फैसल वाउडा को वैसे भी कुछ लोग पिछले दिनों में बड़ा मिस कर रहे थे, जब कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ तो वहाँ पे गार्ड्स ने जिस तरह जांबाजी के साथ था उसका मुकाबला किया था। बहुत सारे लोगों ने मीम्स बनाए, बहुत सारे लोगों ने कार्टून्स बनाए, मजाक उड़ाया और कहा कि यहाँ पे फैसल वाउडा अपनी गन लेकर अपनी पिस्टल लेकर क्यों नहीं पहुँचे। खैर वो तो एक मजाक की बात है। अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि फैसल वाउडा के ऊपर दरअसल इल्ज़ाम हैं क्या, जिनका जवाब फैसल वाउडा देने के बजाय आगे से गालियाँ निकालते हैं और कहते हैं कि मेरा जो कुछ करना है वो कर लो, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ये एक जंगल राज है, यहाँ पर जिसकी लाठी उसी की भैंस है। और अगर ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हुए दूसरी पार्टीज़ की करप्शन के बारे में बात करते हैं तो इनका ये भी फ़र्ज़ बनता है खान साहब का कि अगर उनके अपने वज़ीर जो हैं वो करप्शन में मुलव्वस हैं तो वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला इल्ज़ाम, और वो ये है। सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जो रिपोर्टर हैं जिन्होंने फैसल वाउडा के ख़िलाफ़ तमाम सबूत इकट्ठे किए हुए हैं और इनके पास तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं जो इन्होंने मीडिया को भी दिए हैं, अदालतों में भी दिए हैं, तो ये दी न्यूज़ एक अखबार आता है उसके ये रिपोर्टर हैं, और इनका नाम है फ़खर दुरानी। और फ़खर दुरानी जो हैं इन्होंने तमाम सबूत अपने पास फैसल वाउडा के ख़िलाफ़ इकट्ठे किए हुए हैं। इल्ज़ामात में अगर आपको पढ़ के सुनाऊँ तो जनाब जी, फ्रॉड, माली बेजाब्तगियाँ, दोहरी शहरियत के जो दस्तावेज़ात हैं वो जाली होना, और तो और निकाह नामा तक
फैसल वाउडा का जो है वो जाली है, और इसके अलावा उनकी जो डिग्रीज़ हैं उसका क्या सच है, वो कितना पढ़े लिखे हैं और कितना वो बताते रहे हैं, ये सब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। तो चलिए आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आज का पहला इल्ज़ाम। पहला इल्ज़ाम ये है कि फैसल वाउडा ने 2018 में जब इलेक्शन लड़ा था तो इन्होंने कहा था कि इनकी दोहरी शहरियत इनके पास नहीं है, जबकि बाद में जो ये फ़खर दुरानी है जब इन्होंने इनके बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि फैसल वाउडा के पास ना सिर्फ दोहरी शहरियत है बल्कि इनके पास जो दूसरी शहरियत है वो अमरीकी शहरियत है। और सबसे बढ़ के ये कि इसके ऊपर इन्होंने फैसल वाउडा ने क्या किया कि हलफनामा जमा करवा दिया, और बाद में जब हलफनामा की तहकीक कराई गई तो पता चला कि वो हलफनामा जो फैसल वाउडा ने जमा कराया था वो भी जाली था। अब हम चलते हैं इल्ज़ाम नंबर दो की तरफ। इल्ज़ाम नंबर दो ये है कि आप सबको पता होगा कि 2018 में बिल्कुल स्टार्ट में जब अभी PMLN की हुकूमत थी तो PMLN ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था एमिनिस्ट्री स्कीम। एमिनिस्ट्री स्कीम के अंदर क्या हुआ था कि काले धन को सफ़ेद करने का एक चांस दिया गया था, और उस एमिनिस्ट्री स्कीम का फ़ायदा उठाया था फैसल वाउडा ने, और इन्होंने अपनी ढेर सारी जो रकम है उस काले धन को इन्होंने सफ़ेद किया था, जिसके तमाम सबूत जो हैं वो फ़खर दुरानी साहब के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जिस पे कि फैसल वाउडा साहब ने कोई भी जवाब आज तक नहीं दिया सिवाय गालियों के। तीसरा इल्ज़ाम जो फैसल वाउडा के बारे में है वो ये है कि लंदन के अंदर इनकी जायदादें हैं। अब आप ये बताइए कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मियाँ साहब की लंदन में जायदादें हैं, लेकिन फैसल वाउडा की जब तहकीक कराई गई और फ़खर दुरानी के पास जो हैं वो तमाम एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और उन्होंने वो दिए भी हैं, जिस पे कि आज तक फैसल वाउडा साहब कोई भी जवाब नहीं दे पाए। अगले इल्ज़ाम पे चलते हैं। अगला इल्ज़ाम तो इससे भी ज़्यादा संगीन और भयानक है, क्योंकि हमारे मुल्क में जैसे कि आपको पता है कि हर इंसान जाली डिग्रीज़ लेकर आ जाता है, फैसल वाउडा हमेशा से बताते रहे हैं कि वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएट किया, वहीं से उन्होंने मास्टर्स किया, और वो बताते हैं कि वो हाईली एजुकेटेड हैं, और जब कागजात नामज़दगी जमा करवाया गया तो उसके अंदर इन्होंने जो अपनी तालीम मेंशन की वो सिर्फ बीकॉम की, और कोई उन्होंने चीज़ मेंशन नहीं की कि अमेरिका से वो कहीं से पढ़ कर आए। और फ़खर दुरानी ने जब अमेरिकन यूनिवर्सिटी से इनके बारे में पता कराया तो पता चला कि इनके पास कोई भी डिग्री मौजूद नहीं है, और अगर कोई डिग्री है तो वो जाली है। और फ़खर दुरानी ने जब फैसल वाउडा से इसका जवाब मांगा तो फैसल वाउडा ने एज़ यूजुअल आगे से उनको गालियाँ निकाली, मामला नैब तक पहुँचा, मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन कोई भी फैसल वाउडा का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अगला इल्ज़ाम जो फैसल वाउडा पे है वो और भी ज़्यादा संगीन इस तरह से है कि अरबों रुपए की जायदाद जो है वो फैसल वाउडा जैसे इंसान के पास आई कहाँ से। फैसल वाउडा साहब की जायदादें ना सिर्फ बाहर के बैरूनी ममालिक में हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर इनके पास बहुत सारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं। कराची में एक जगह है जिसका नाम है डिफेंस के अंदर ख़याबान तंजीम। ख़याबान तंजीम के अंदर प्लॉट नंबर C22 और C24 के ये मालिक थे, लेकिन इन्होंने चलाकी ये की हुई थी कि इनके एक मुलाजिम है जिनका नाम है शेर नवाज़ ख़ान। शेर नवाज़ ख़ान के नाम पर इन्होंने ये इतनी महंगी प्रॉपर्टी, आप ख़ुद सोचें कि फैसल वाउडा का मुलाजिम जो उनके घर पे काम करता है, उनका माली है या उनका ड्राइवर है, उसके नाम पे इन्होंने इतने करोड़ों रुपए की जायदाद ख़रीदी। और बाद में जब ये फैसल वाउडा के पीछे ये जो फ़खर दुरानी साहब ये पड़ गए थे, उनको पता चल गया था कि भाई मेरे पीछे अब ये चेक एंड बैलेंस हो रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन हंगामी हालात में क्या किया कि उन्होंने ये जायदाद जो है अपने मुलाजिम को कहकर बेच दी। और जब बेची तो उसकी जो ट्रांजैक्शन थी वो जिस बैंक के थ्रू हुई थी, उस बैंक का नाम मैं आपको बताती चलूँ। बैंक का नाम था ग्लोबल इस्लामिक बैंक लिमिटेड। ग्लोबल इस्लामिक बैंक लिमिटेड में शेर नवाज़ ख़ान ने जाकर ये C22 और 24 का जो प्लॉट है इसकी ट्रांजेक्शन्स की थी, इसको बेचा था, इसकी डील की थी। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये दोनों जो प्लॉट्स थे ये कमर्शियल प्लॉट्स थे, कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, और इसकी जो मालियत थी वो थी 465 मिलियन। 465 मिलियन रुपए की जायदाद जो है वो शेर नवाज़ ख़ान जो कि फैसल वाउडा के मुलाजिम हैं उनके नाम पर निकली थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर फैसल वाउडा के मुलाजमीन इतने अमीर हैं तो फैसल वाउडा के पास कितनी दौलत होगी। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला इल्ज़ाम है वो मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि फैसल वाउडा की जो जायदादें हैं वो सिर्फ लंदन में नहीं निकली बल्कि दुबई और मलेशिया में निकली। अब जब फ़खर दुरानी ने इनके बारे में पूरा कट्ठा चट्ठा इनका लिखना शुरू कर दिया, उन्होंने ट्विटर के ऊपर आकर लोगों को बताना शुरू कर दिया कि फैसल वाउडा जो हैं उनको मैं कई मरतबा सवालनामा भेज चुका हूँ और वो मुझे जवाब नहीं देते,
तो वो काफ़ी दिलबर्दाश्ता थे कि फैसल वाउडा जो है उनको गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन फैसल वाउडा ने एक बार भी उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो अब फाइनली क्या हुआ कि जब पता चला कि मलेशिया में भी जायदादें हैं, दुबई में भी जायदादें हैं, कराची के डिफेंस में भी जायदादें हैं, लंदन में भी जायदादें हैं, तो फैसल वाउडा जो हैं वो थोड़ा घबरा गए। अब उनको समझ में आया कि मैं कुछ तो जवाब दूंगा। जवाब उन्होंने क्या दिया जी, कि उन्होंने कहा कि मेरी जो बैरूने मुल्क जायदादें हैं उनके अगेंस्ट मैं 58 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करवा चुका हूँ। तो जब पता किया, इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि 1 रुपए का टैक्स भी फैसल वाउडा ने जमा नहीं करवाया। फैसल वाउडा जो हैं वो अपनी इन हरकात में, अल्लाह ताला माफ़ करे, इस हद तक गिर गए कि उन्होंने जो अपना निकाहनामा जमा करवाया था और निकाहनामा के जो कागजात थे वो भी जाली निकले। और बाद में उनकी जो अहलिया हैं, जो कि बकौल उनके के उनकी अहलिया थी, उन्होंने ये कहा कि मेरी तो फैसल वाउडा के साथ शादी ही नहीं हुई, ये जो कागजात थे ये जाली थे। और फैसल वाउडा ने बाद में ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी जो अहलिया हैं उनके कोई साबिक शौहर थे तो उन्होंने उनके साथ वापस रजू कर लिया था। जब फ़खर दुरानी साहब ने उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की मज़ीद आगे बढ़ के, तो पता चला कि अगर ऐसा होता कि वो इनके निकाह में आई होती तो फिर वो खुला का कोई ना कोई रिकॉर्ड होता, तो वो रिकॉर्ड भी नहीं निकला, जिसकी वजह से ये तमाम उंगलियां जो हैं दोबारा से फैसल वाउडा के ऊपर उठी कि उन्होंने ना सिर्फ जायदाद के चक्कर में, पैसे के चक्कर में दीन का मजाक बनाया, अपनी शादी का मजाक बनाया, अपनी डिग्रीज़ गलत बताई, अपने टैक्स की तमाम डिटेल्स गलत बताई, उन्होंने लोगों से झूठ बोला, और सिवाए हीरो बन के बैठने के और लोगों को गालियां देने के उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो उनकी कारकर्दगी है वो तो उनके जो अहले मोहल्ला और अहले इलाका होंगे उनको पता होगा अच्छे तरीके से। सवाल ये है कि पीटीआई एक अज़्म लेकर आगे बढ़ी थी, और वो ये थी कि अगर कोई भी वज़ीर मुलव्वस होगा करप्शन में, चाहे वो हमारा होगा चाहे वो दूसरी पार्टी का होगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल मैं आपके पास छोड़ती हूँ कि अगर इतने सारे क्राइम्स किसी वज़ीर ने किए होते और उसका ताल्लुक किसी दूसरी पार्टी से होता, क्या तहरीक इंसाफ जो है वो उस वज़ीर को छोड़ती? दिन रात उनके ख़िलाफ़ टॉक शोज़ होते, दिन रात उनके ख़िलाफ़ बातें होती, लेकिन ना जाने, अल्लाह बेहतर जानता है कि फैसल वाउडा के पास कौन सी ऐसी पावर है जिसकी वजह से ना तो मीडिया उनको उस तरह से एक्सपोज कर रहा है। हालांकि दी न्यूज़ और दी जंग ने अभी 2 जुलाई को ये खबर शाया की है, अखबारात में छपी है, लेकिन जिस हद तक इसको कवरेज मिलनी चाहिए थी और फैसल वाउडा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और सबसे बढ़कर ये कि अब उनकी जो मिसेज़ हैं, जो बकौल उनके कि उनकी मिसेज़ हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि इन्होंने निकाहनामा तक जो है वो जाली जमा करवाया था। तो इस बारे में आप लोगों को बताना मेरा फ़र्ज़ था कि ये केस क्या है और दरअसल वो इल्ज़ामात क्या हैं जो फैसल वाउडा के ऊपर लगे हैं। इसके एविडेंसेस हैं वो आप लोग ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं, आप लोग प्रोग्राम्स देख सकते हैं। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आप समझते हैं कि पीटीआई के जो करप्ट वज़ीर हैं, क्या इमरान ख़ान साहब को उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए? आपका क्या ख्याल है कि इमरान ख़ान साहब को अपने इन करप्ट वज़ीरों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, या कि फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने देना चाहिए? तो अपना ज़रूर मुझे नैरेटिव बताइए, कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।